दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैसे चर्चा करेंगे, जैसे जो अकाउंट होते हैं ना अपने, है ना, जैसे जैसे यूजर क्या होता है, एडमिन क्या होता है ना, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे यूजर अकाउंट कौन बनाता है, क्यों बनाता है ना, एडमिन अकाउंट कौन बनाता है, क्यों बनाता है ना। तो आज हम इस वीडियो में जैसे सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। जैसे यह है, ये जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख ही रही है ना। अब इसमें जैसे क्या है, मैं जैसे इसमें जैसे कीबोर्ड से या माउस से अपन जैसे ही प्रेस करते हैं ना, तो उसमें क्या है, जैसे यूजर या जैसे अकाउंट आ जाते हैं ना। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन है, इस पर जैसे अपन जैसे ये यूजर का अकाउंट दिख रहा है। अपन जैसे अगर एडमिन पर क्लिक करेंगे ना तो एडमिन अकाउंट दिख जाएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। ये एडमिन जो अपन है ना, जैसे अकाउंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर पहले से जो बना होता है, अपन उसको सिर्फ ये डिसेबल रूप में रहता है ना, इसको इनेबल करना पड़ता है। और कहाँ से करते हैं इनेबल, वो सब बात हम देखेंगे ना। यहाँ से जैसे अपन लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जैसे अपन कौन सी लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये अपना जो इथरनेट का जो कार्ड है ना, इंटरनेट का है ना, अगर वो यहाँ पर जैसे शो हो रहा है, जैसे अपना लैन कार्ड वगैरह सब कुछ है तो यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे मतलब कुछ ना कुछ नेट की व्यवस्था है इसमें, है ना। ये जैसे इसमें ये नरेटर वगैरह जैसे ये रहते हैं, तो इनको ये तो जैसे काफ़ी ये मान लो सेटिंग होती है, जैसे अपन कंप्यूटर में जैसे किसी को समझाने के लिए जैसे नरेटर या फिर किसी और स्क्रीन का अपन उपयोग करते हैं। जैसे इसमें गोले के रूप में यहाँ पर अपन जहाँ पर ले जाएंगे वो आ जाएगा ना, यहाँ से कंप्यूटर जैसे शट डाउन, रिस्टार्ट और स्लीप मोड में लाने का हो जाएगा ना। मेरे को जैसे क्या करना है, मेरे को अपना अकाउंट चलाना है ना। अब मैं जैसे इसमें पासवर्ड डालता हूँ, मैं इसमें तो मैंने क्या है, जैसे अपना अकाउंट ओपन कर लिया है ना। अब मेरा अकाउंट जैसे धीरे धीरे ओपन हो रहा है ना। इसको जैसे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ये अकाउंट है, एडमिन वो खोला है ना। नहीं तो जैसे अपन एडमिन एडमिन होता है जो मुख्य जो होता है ना, जिसके पास सारी सारी वो होती है ना, फैसिलिटी होती है ना, वो दरअसल एडमिन अकाउंट का उपयोग करता है। जो यूजर होता है ना, जैसे एडमिन अकाउंट है ये, जैसे फर्स्ट में जैसे किसी ने बनाकर जो छोड़ा है वो एडमिन अकाउंट वो बना के छोड़ दिया ना। अब जैसे इसमें क्या है, जैसे इसमें फर्स्ट में जैसे यूजर एडमिन जो सारे सारे अकाउंट होते हैं ना, अपन इसमें जैसे क्या क्या देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर जैसे जैसे चल हुआ, तो यहाँ पर जैसे गेट और फाइल, जैसे यहाँ पर जो भी कुछ है वो चल होने वाला है, सब कुछ यहाँ पर पहले से आ जाता है ना। अपन देखेंगे जो कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन है ना, एडमिन या फिर यूजर की जो कंप्यूटर जो इसमें जैसे विंडो 10 डली हुई, तो इसमें जो सारे सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं ना, इनको जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये देवसी है ना, इनको जैसे आइकन बोलते हैं ना। अब जैसे मैं अगर इस पे जाऊँगा ना, तो जैसे ये कंट्रोल पैनल है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुबार से साफ साफ है ना। यहाँ पर जैसे विंडो सर्च बार है, टाइप एयर टू सर्च, जैसे अगर हम कुछ सर्च करेंगे, ये विंडो का जैसे निशान है, इसमें हम जो भी सारे विंडो फीचर है फिर जो कंप्यूटर स्क्रीन जो भी कुछ है वो सब अपन को यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। ये यहाँ पर जैसे टाइम डेट वगैरह, जो टाइम जोन वगैरह है या मैसेज वगैरह है, इथरनेट का है, वॉल्यूम है ना, ये सब कुछ जैसे अपन को यहाँ पर इस कोने में अपन को देखने को मिल जाते हैं ना। ये टास्क बार में जो सारे सारे मेनू है, ये है ना, ये है ना, ये टास्क बार का जो वो है, अपन जैसे एक साथ अपन विंडो 10 में जैसे प्रोसेसर के हिसाब से जैसे अपन कितने सारे प्रोग्राम एक साथ रन कर पाते हैं, वो सारी सारी चीज़ें इसमें बता रखा है ना। इसमें जैसे ये रिसाइकल बिन है, जैसे कम जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो अपना डिलीट किया हुआ डेटा जैसे कौन सी जगह पर जाके सेव हो जाता है ना, तो रिसाइकल बिन ही होता है ना। फिर जैसे जो कंप्यूटर जो जैसे ऐप आते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये रहा ना, ये जैसे कंप्यूटर साथ में जो फीचर आता ही है शुरू से, है ना। फिर इसमें जो एडमिन है ना, ये जैसे अपन ने जो अकाउंट बनाया ना, एडमिन एडमिन का एक फोल्डर बन के आ गया है ना, अपन जैसे एडमिन की जो सारे सारे फाइल है, इनके अंदर विंडो वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगी ना। फिर इसमें जैसे दिस पीसी है ना, ये जैसे दिस पीसी के बारे में जो सारे सारे इन्फॉर्मेशन है, ये दिस पीसी है ना। फिर ये नेटवर्क है ना, फिर कंट्रोल पैनल और टर्बोसी, फिर ऊपर जैसे ये देवसी आ गया, फिर ऊपर टर्बोस वो टर्बोसी, और फिर फायरफॉक्स और लिब्रे ऑफिस है ना। ये सारे इसमें जैसे ऐप हैं, तो इनके जैसे काम भी बढ़िया बढ़िया है ना।
जैसे मैं सभी एक एक ऐप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जैसे बता देता हूँ कौन सा ऐप क्या काम आता है ना। जैसे मैं इसकी स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये है रिसाइकल बिन, है ना। आपको जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको जैसे यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिसाइकल बिन, है ना। और जैसे जूम तो खैर इतना ही हो पाएगा, लेकिन ये जैसे रिसाइकल बिन है ना, ये रिसाइकल बिन है क्योंकि जब इसमें जो जैसे मैं कोई फोल्डर बनाता हूँ, जैसे मैंने ये फोल्डर है ना एडमिन, है ना, या फिर जैसे मैं यहाँ पर जैसे कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे न्यू पर जाकर मैंने फोल्डर बनाया ना, अब ये फोल्डर में नाम जैसे कुछ भी दे दूंगा, इसमें ऐप को प्रेस करके जैसे नागर, है ना, NAGAR, है ना, नागर नाम का फोल्डर क्रिएट करके जैसे एंटर दबाया, है ना। अब मैं क्या जैसे इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, है ना, मैंने कर दिया डिलीट, है ना। अब ये डिलीट फोल्डर पता कहाँ पर चला गया, ये चला गया रिसाइकल बिन में। अब मैं जैसे यहाँ पर जैसे इसको ओपन करूँगा तो नागर नाम का फोल्डर यहाँ पर ये शो हो जाएगा, है ना। अब मेरे को क्या जैसे सब जगह डिलीट करना है तो मेरे को रिसाइकल बिन से यहाँ पर, है ना, जैसे MPT रिसाइकल बिन, है ना, तो यहाँ से MPT रिसाइकल बिन करते यहाँ से मेरा पूरा डेटा है वो सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा ना। फिर जैसे पिन टू टास्क बार का, जैसे इसमें पिन अगर जैसे को टास्क बार में ले जाना चाहते हैं इस ऐप को, है ना, तो पिन टू टास्क जैसे पिन टू स्टार, है ना, पिन टू टास्क बार का भी ऑप्शन आता है जो नीचे से आता है ना, ये जैसे रिसाइकल बिन, अगर मेरे को यहाँ से रिसाइकल बिन अगर टास्क बार में लाना है या फिर कुछ और चीज़ लाना है जैसे रिसाइकल बिन है, तो मेरे को अगर ये टास्क बार में लाना है ना, तो ये टास्क बार में भी आ जाएगा ना। ये जैसे ओपन हो गया रिसाइकल बिन, है ना। फिर जैसे ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, दूसरा ऐप है ना। इसको जैसे अपन ओपन करते हैं तो इसमें जैसे सारी सारी जो ये जैसे विंडो स्क्रीन के साथ में जैसे फीचर ये आता है, तो इसमें अपन को जैसे कुछ भी नेट वगैरह व्यवस्था इसमें अपन को देखने को मिल जाती है अपन यहाँ से करके, और कंटिन्यू दिस ऐप, है ना। और इसमें ये सारा कुछ यहाँ पर जैसे अपन नेट की व्यवस्था देखने मिलता है, जैसे मैं इसमें खोलता हूँ गूगल, है ना, तो मेरे को यहाँ पर जैसे गूगल चल चुका है ना। ये सारी सारी व्यवस्था इसमें देखने में मिल जाती है। अगर मेरे को पूरी सेटिंग रिस्टार्ट करनी है, जैसे मेरे को जूम कर दिया मैंने ना, मेरे को रिस्टार्ट करना है सारा कुछ, तो यहाँ से ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज में बहुत सारे फीचर अपन देखने मिल जाते हैं ना। फिर आता है जैसे टर्बोसी, है ना, ये तो अपन ने जैसे प्रोग्रामिंग में जैसे अपन इस ऐप का उपयोग लेते हैं ना, टर्बोसी का, है ना। खैर इसको जैसे मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ, इसमें जैसे क्या क्या चीज़ देखने मिल जाती है ना। ये जैसे जो कोडिंग वगैरह होते हैं, जो मशीन जो जैसे लैंग्वेज होती है ना, उसमें जैसे अपन इसका उपयोग हमें देखने को मिल जाता है। जैसे ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जैसे अगर मैं इसको कंपाइल करके अगर रन करूँगा, जैसे कंपाइल हो गया 0:0, है ना, और मैं इसको जैसे रन करूँगा ना, तो ये जैसे रन हो गया है ना। पर मेरे को जैसे रन करना ही नहीं, मेरे को इससे बाहर जाना है, मेरे को और चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है ना। अब जैसे फायरफॉक्स है ना, ये जैसे मैंने अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, फिर देवसी आ गया। देवसी भी जैसे टर्बोसी की तरह जो सी के प्रोग्राम होते हैं उनको रन करने में उपयोग करता है ना। ये एडमिन का फोल्डर है, इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है ना। इसमें जैसे दिस पीसी में जाकर जो सी ड्राइव है ना, उसमें अपनी विंडो रहती है ना, इसमें जैसे ये विंडो नाम से यहाँ पर अपन को देखने में मिल जाएगा, जो ये सारे सारे विंडो फीचर हैं ये अपन को अपनी स्क्रीन में देखने को मिल ही जाते हैं ना। ये लिब्रा ऑफिस है ना, जो ओपन ऑफिस बोलते हैं अपन इसे ना, ये दिस पीसी है ना। दिस पीसी का अपन उपयोग देख लिया, दिस पीसी में जैसे ये सारी सारी जो एडमिन में जो सारे फीचर मिलेंगे वो दिस पीसी मिल जाएंगे। ये नेटवर्क आ गया, इसमें जो नेटवर्क की जो दिस पीसी सारे सारे फाइल है वो भी इसी में मिल जाती है ना। फिर आता है कंट्रोल पैनल, जिससे अपन जो कंप्यूटर को जैसे कंट्रोल करने के सारे सारे फीचर इसमें उपलब्ध रहते हैं ना। जैसे अपन कंप्यूटर में जैसे कंट्रोल पैनल को अपन किस रूप में और कहाँ पर क्या उपयोग में ला सकते हैं, जैसे इसमें आइकन वगैरह को जैसे बड़े छोटे रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ना। तो अपन ने जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में जो फर्स्ट में जो अपन विंडो स्क्रीन दिखाई देती है उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में हमने फुल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, है ना।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।